कि जो वहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क है, मेरी लैम्बोर्गिनी, हाँ दिख रही है, तो उसके पास और तीन गाड़ियाँ, तो एटलीस्ट दो गाड़ियाँ आराम से पास हो सकती है, काफी वाइड है, हाँ। कोई कंजक्शन नहीं दिख रहा मुझे तो, वो लैम्बोर्गिनी तो काफी अच्छा सेटअप है पूरा जो है। क्या मेरे लिए वो लैम्बोर्गिनी ही है, ट्रस्ट मी, और वाइट नहीं, वो रेड कलर की है, तुम्हें वाइट दिख रही है। राम राम सीताराम सभी को। अभी हम जा रहे हैं बाहर एक घर देखने के लिए, घर देखने के लिए, मकान देखने के लिए, और भारती को साथ में एक आइडिया है भारती का कि खाना भी बाहर ही खाएंगे। पास में रेस्टोरेंट है, पास में रेस्टोरेंट है। नहीं, इसमें आइडिया में किया है कि आज टीलू का और मीरा का मिल्किंग करके गायों घोड़ियों का सब कुछ काम करके जा रहे हैं, तो खा सकते हैं, वरना जल्दी होती है घर पे आके ये करने की। तो मैं ओम एंड रामदेव जा रहे हैं, मम्मी को मामा के घर जाना है, तो वहाँ वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। एंड चलो आपको भी दिखाते घर, है ना, हम भी देखते। हाँ, राम राम सीताराम बोलो ना। ओ राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। अभी हम आ गए हैं ड्रीम विला, बहुत ही अच्छे मकान है यहाँ पे, और ये है जैसलभाई जोगिया। आप इनको शायद नहीं जाने, लेकिन जितने भी हमारे आसपास के जो लोग हैं जो गोल्ड लेते हैं, हाँ। वो अभी सोनी मुलजी वाल जी, जो महेश भाई है वहाँ पे जिनकी दुकान है, वो जैसलभाई उन्हीं के बेटे हैं, लेकिन मैं खुद नहीं जानता था। महेश भाई को तो हम सब जितने भी हम गोल्ड पहनते वहीं से लाते हैं, पीढ़ियों से, आजकल का नहीं है, पापा के पापा भी वहीं से लाते थे, तो सब जानते ही है, और उन्हीं का है ये पूरा यहाँ जो प्लान है मकान का सारा कुछ। और ये है एग्जिट लोकेशन, नेवी का जो गेट है, पीरागार बल जिसको बोलते हैं, तीन त्रन माइल आप रखिए गुजराती में, तो वहाँ से आगे ये लोकेशन है, हाईवे यहाँ से मतलब दो मिनट की दूरी पे है वॉक में, और तो यही है हाईवे, और नेवी की दीवार भी पास में, तो यहाँ पे ये लोकेशन है इनका, और आपको दिखाएंगे इनके जो हाउसेस प्लान है, जैसे पूरा बिल्डिंग वर्क दिखाएंगे, और साथ साथ में कैसा प्लान है, क्या है, और लोकेशन भी अच्छा है, हाईवे भी एकदम नजदीक है, एंड क्वाइट एरिया है पूरा, तो कुछ नॉइजी भी नहीं है, और सिटी भी फार्म हाउस ही हो जाएगा, एक टाइप का फार्म हाउस है, और साथ में क्या क्या फैसिलिटीज है, कुछ अलग है, हटके फैसिलिटीज, खास करके हमारे जो फॉरेनर है, हमारे NRI यहाँ के हमारे, उनको सुटेबल है, इसलिए हम ज्यादा वो उनको मेंशन कर रहे हैं, जो UK में है या फिर अमेरिका में है, जो लो दो तीन चार महीने यहाँ पे रहना चाहते हैं और फिर पाँच छह महीने वहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए यही पे है, लॉकडाउन में यहीं पे रहते थे। टोटल 34 विलाज है यहाँ पे विद क्लब हाउस, 34 विलाज है विद क्लब हाउस, जिम है इसमें इंक्लूड, और वो भी डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे अभी क्या क्या साथ में है, और प्राइसिंग भी, और कितने एरिया में है, क्या बिल्डिंग वर्क, कितना बांधकाम है, सब दिखाएंगे और बताएंगे, चलो देखते। राइट साइड में बच्चों का फेवरेट एरिया जो प्लेग्राउंड होता है, बहुत ही अच्छी जगह है, एंड ओम को ऑलरेडी यहाँ पे खेलना है ना, पहले ही सीधा। तो ये मेन ऑफिस रिसेप्शन है ड्रीम विलाज का, 34 विलाज है, और यहाँ पे एक दूसरा रेस्टोरेंट भी ऑन रहेगा पूरे साल,
तो कुछ लोग अगर कोई ऐसे प्लान करके आ रहे हैं कि जैसे खाना वाना कुछ नहीं बनाना है या कुछ दिन रहना है, तो उनको खाना यहाँ पे और सिर्फ विलेज के सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए ही है, और खाने बनाने वाले से लेके सब कुछ पूरा रेस्टोरेंट ही मिलेगा वहाँ पे। जब सोसाइटी वाले जो भी डिसाइड करेंगे कि चाइनीज सब कुछ आई थिंक मिलेगा, क्योंकि सभी लोगों को मेरे जैसे कभी कभी दूसरी चीजें खाने का मन होता है, लेकिन गुजराती काठियावाड़ी चाइनीज पंजाबी जो मेन्यू आगे की बात है 24/7 सर्विस रहेगी, तो आपको यहाँ पे ऐसा ही लगेगा कि कई फाइव स्टार होटल में जा रहे हैं। अगर और बाकी की डिटेल अगर हम मेंशन करना भूल जाए तो हम नीचे एक नंबर देंगे, उसमें आप फोन करके कोई भी इंक्वायरी आपके वो कर सकते हैं। 1800 स्क्वायर फुट में ये काम बिल्डिंग वर्क पूरा रहेगा, गार्डन अलग अलग सबके होंगे साइजिंग के हिसाब से, लेकिन 200-240 वार से 340 वार तक का जो रहेगा वो रहेगा। अब नेक्स्ट दिखाएंगे आपको जिम एंड रेस्टोरेंट भी यहाँ पे, तो ये है पूरा रेस्टोरेंट। अभी आपको मेरी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही होगी क्योंकि पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे, तो अगर अच्छी बात है ना, अभी अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं और अगर मैंने सोचा कि चलो आज खाना नहीं बनाना है तो फिर यहाँ पे आके खा सकते हैं। हाँ। ये अच्छा आइडिया है। You like it? अच्छा आइडिया है, रेस्टोरेंट के सामने जिम, तो आप जब ज्यादा खा लो तो फिर सीधा जिम में आ सकते हो एक्सरसाइज करने के लिए। खाना खाने के बाद जिम नहीं कर सकते, नहीं वैसे नहीं खाना खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा सेटअप है। अभी थोड़ा बाकी है कुछ करना, हाँ, तो अभी ये पड़ा है सब कुछ, यहाँ पे कुछ सेटअप और भी है करना, और ये सब कुछ बॉक्सेस बॉक्सेस निकल जाएगा, तो यहाँ अच्छे से जिम एक्सरसाइज कर। यहाँ पे स्टीम रूम और मसाज रूम भी है, कुछ चेयर्स वगैरह है जो स्विमिंग पूल के लिए है, जो की बाहर सेटअप करना है पूरा, और मसाज चेयर भी है और स्टीम रूम भी है यहाँ पे, तो ये बच्चों के लिए है स्विमिंग पूल यहाँ पे। ओम तुम वहाँ पे नहा सकते हो, अगर वहाँ पे नहीं नहाना है तो अंदर जाओ, जाओ पानी में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी पानी नहीं भरा हुआ है यहाँ पे, पास में कुआ है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ से पोरबंदर 7 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर, क्योंकि सीधा ये जो 4 लेन द्वारका सोमनाथ जो 4 लेन है वही रोड यहाँ पे 1 मिनट की वॉक पे, तो वो रोड भी सीधा जाता है एयरपोर्ट या तो पोरबंदर आपको जाना है तो। हाँ, वो बच्चों के लिए है। और यहाँ का एटमॉस्फियर पूरा जो विलेज में हमारे घर पे जो है वही मिलेगा, क्योंकि आसपास में और कोई भी मकान नहीं है, सिर्फ ये सोसाइटी है जिसमें 34 विलाज है, हमने ऑलरेडी बताया आपको, और आसपास में फार्म हाउस ही है तो क्वाइट है बिल्कुल। आपको दिखा रहे ये क्लब हाउस की बिल्डिंग में ही है अभी हम, यहाँ पे सिनेमा है, नीचे रेस्टोरेंट है, और ये पूरा सिटिंग एरिया है बाहर का, अगर सिनेमा में आप मूवी देखने आ रहे हो, और यहाँ पे भी पूरा सिटिंग एरिया है। तो फैसिलिटीज अगर काउंट करें तो जिम है, मसाज रूम है, स्टीम रूम है, इंडोर गेम्स के लिए पूल वगैरह है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा है, तो ये भी ओपन सिटिंग एरिया है यहाँ पे, और इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं टेरेस पे। हाँ, अभी जाके दिखाएंगे, यहाँ पे इंडोर गेम्स के लिए है, हम तुमको कुछ खेलना है, एंड इस साइड में तो मुझे अभी सेटअप करना बाकी लग रहा है, लेकिन ये टेबल तो दिख रहा है, पूल टेबल, वो पूल लाइट है, वॉशरूम है एंड सिनेमा। तो अभी ओम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, ओम गो, सिनेमा है घर का, खुद का सिनेमा। तो ये सिनेमा की स्क्रीन काफी बड़ी अच्छी और सीटिंग है, जो जोता हुई ने तो तमारा माटे पछे एवू नहीं के कॉमन नहीं, लाइक तमारा टाइम में तमे भले बे होई, तो विलाज में जो लोग है या तो गेस्ट आ गए, कुछ छोटी मोटी पार्टीज है, तो ये प्राइवेट शो के लिए आप पेन ड्राइव वगैरह लगा के जो भी आपको देखना है, खास करके हमारे वीडियोज, हाँ, तो आप देखोगे ही देखोगे, और देखना है ये आपको देखना ही है, तो हो गया, इसको बोलते हैं खुद का प्रमोशन। इतना बुआ के वो मैं कभी नहीं देखा, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, सिनेमा है कहीं किसी भी टाइम हम आ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सबको आना है साथ में, जैसे हम 5-6 लोग हैं फैमिली में, हाँ, तीन तो लोग देख सकते, डिसाइड किया कि आज ये देखना है, मतलब वो तो हमें अपने हिसाब से नीचे रिसेप्शन में बुक करना होगा कि इस दिन हमें चाहिए सिनेमा में इतना टाइम, क्योंकि वरना क्या होता है कि सब लोग एक साथ तो नहीं कर पाएंगे ना। ओम तुमको देखनी है मूवी, और एसी लगे हुए 1, 2, 3, 4 एसी लगे हुए, और पूरी सोसाइटी में विला 34 जो विला है सभी जगह सीसीटीवी कैमराज लगे, तो सिक्योरिटी का कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, जहाँ से आप एंट्री लोगे वहीं से चारों तरफ सीसीटीवी लगे, पूरे इलेक्ट्रिक पोल जो है वो पूरी इलेक्ट्रिक बाहर के सिस्टम से जैसे है वो अंडरग्राउंड कर दी है, तो कोई भी पोल है नहीं पूरी सोसाइटी में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी के बारे में किसी को, और इंटरनेट वाईफाई यहाँ पे मिलेगा, वो मेरी बात हुई जैसल भाई से,
तो वाईफाई आपको मिलेगा। वो है प्रोजेक्टर। हाँ, वो प्रोजेक्टर। तो पीछे दिख रहे सारे लुक में ऑलमोस्ट सेम है, कुछ में गार्डन छोटे हैं, कुछ में गार्डन बड़े हैं, वो अपनी साइज के हिसाब से। बाकी 1800 स्क्वायर फुट में ही जो पूरा बांधकाम है, बिल्डिंग वर्क है, वो है। बाकी चारों तरफ का नज़ारा, इस तरफ नेवी की बिल्डिंगें है, पास में ही हाईवे भी दिख रहा है, इस तरफ कुछ दूसरे जो फार्म हाउस है वो भी है, और ये पूरा और ये जावर का जो एरिया। और यहाँ से हमारे यहाँ के जो लोकल वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, डिवाइन स्कूल से जो रास्ता आता है वो इस तरफ से होके सीधा आता है, और एक ये हो गया हाईवे वाला, तो दोनों रास्ते से आ सकते हैं यहाँ पे। वो भी बन रहा है, दूसरे बिट्स एंड पीसेस आपको शायद वीडियो में दिखे, वो काम अभी चल रहा है। पर आपको वो जो सामने दिख रहा है जो 4 लेन हाईवे है, वो वहाँ पे जो बाइक्स जा रही है, गाड़ियाँ जा रही है। तो ये पार्टी प्लॉट है वहाँ पे जो दिख रहा है, और सिर्फ सोसाइटी के जो ओनर है, मतलब विलेज के, उनके लिए है, बाहर से कोई ये यूज करने वाला है नहीं। तो लेकिन कुछ भी छोटा सा फंक्शन हो या बर्थडे पार्टी, छोटा कोई भी फंक्शन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और इसको भी अभी इसका काम अभी भी बाकी है, पेवर ब्लॉक वगैरह इसमें लगेंगे। बाकी जो रोड्स की साइजेस है वो मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा, आपको शायद आइडिया आ जाएगा, मुझे आ गया है, क्योंकि जो वहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क है, मेरी लैम्बोर्गिनी, हाँ, दिख रही है, उसके पास और 3 गाड़ियाँ, तो एटलीस्ट 2 गाड़ियाँ आराम से पास हो सकती है, काफी वाइड है। हाँ। कोई कंजक्शन नहीं दिख रहा मुझे, तो काफी अच्छा सेटअप है पूरा जो है। क्या मेरे लिए वो लैम्बोर्गिनी ही है, ट्रस्ट मी, और वाइट नहीं, वो रेड कलर की है, तुम्हें वाइट दिख रही है। पीछे क्लब हाउस का पूरा जो हम अभी ऊपर जहाँ से आए अभी जाएंगे के अंदर, और टेम्परेचर यहाँ पे 35 मैक्सिमम जाएगा, इवन समर में भी, क्योंकि यहाँ से दरिया ज़्यादा दूर नहीं है, इवन हमारे यहाँ थोड़ा सा इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा ज़्यादा। पे है हमारा प्राइवेट गार्डन बोल सकते, नीचे भी पूरी लॉन, और ये सबसे छोटा है, बाकी के सारे जो है दूसरे बंगलो उसमें बड़ा है, जो भी विला है उसमें बड़ा है, ये भी क्वाइट बिग, नॉट दैट, मतलब इतना छोटा भी नहीं, बहुत ही अच्छा स्पेस है, ये पार्किंग है यहाँ पे। अभी आपको हम दौड़ के दिखाएगा कितना है वहाँ पे, जाओ वापस आओ। हाँ, अच्छा लगा, यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा सकता है। क्रिकेट का लिए वैसे मुझे लग रहा है पार्टी पॉट सबसे ज्यादा यूज होगा, क्रिकेट में ही होगा। और ये पार्किंग के लिए है, आप अपनी लैम्बोर्गिनी को यहाँ पे पार्क कर सकते। और फिर बाबू का लैम्बोर्गिनी तो यहाँ से होती है एंट्री, और देख के ही पूरा हमें वो लगता है कि बहुत जैसे अपने घर के लिए ही बनाया हो, जैसे हम बनाते हैं तो पूरी ध्यान रखते हैं कि मजबूत होना चाहिए, थोड़े टाइम कितने सालों तक ऐसे ही कुछ करना ना पड़े। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं घर के अंदर, है ना, एक किचन एरिया जिसमें ये सारे ड्रॉवर्स और सब कुछ है, आपको यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। हमने देख लिया ऑलरेडी, इस साइड भी है, ये फ्रीज के लिए है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने सेटअप पूरा करके रखा है, जैसे वाटर फिल्टर लगाना हो या गैस की भी यहाँ दे दिए, तो सिलेंडर आप बाहर रख सकते हो, फ्रीज की जगह, तो मतलब जितना भी आपको फैसिलिटीज बाद में जो करनी है उन्होंने पूरा सेटअप अंडरग्राउंड फिटिंग सारा किया हुआ है। गीजर और इन्वर्टर के लिए भी आपको सिर्फ छत पे लगाना है, बाकी उसके जो पॉइंट्स है वो सारे दिए गए हैं। और इसका भी एक अच्छा है कि गैस का यहाँ पे है लाइन सीधा, और इसका जो सिलेंडर है वो हम बाहर रख सकते हैं, हाँ, ताकि घर में इतनी मतलब वो स्मेल जो सिलेंडर गैस की आती है वो ना आए, यहाँ पे लग जाएगा, हाँ, यहाँ पे है, और बाहर रहेगा तो सेफ्टी भी, सिलेंडर है तो बाहर रहे तो बेटर है। हाँ, और यहाँ पे ये छोटा सा डोर है, जो भी हम बोल रहे गार्डन में जा सकते, हाँ, गार्डन में जा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे किसी को जैसे मेरे जैसे आदत होती है बाहर वॉश करने के लिए बर्तन, तो वो है, एंड यहाँ पे आई थिंक कपड़े सुखाने के लिए या जो भी है वो रख सकते है। तो किचन के सामने यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, सीधा खाना खा सकते हैं यहाँ पे, और अगर हम लोग लेंगे तो फिर हम हटा देंगे, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं। ये पूरा डाइनिंग जो ये सेटअप ही मिलेगा यहाँ पे, टीवी भी साथ में आपको मिलेगा,
बाहर स्विंग भी मिलेगा, तो वो भी इसके साथ ही मिलेगा। टीवी भी मतलब इन लोगों में इनकी प्राइस में जो होगी प्राइस में इंक्लूड है। फर्नीचर ये सारा आएगा, सिर्फ दोनों बेडरूम में फर्नीचर नहीं आएगा, ब्लैंक मिलेंगे। उसमें भी साथ में बाथरूम अटैच है, वो मैंने देखा अभी। बेडरूम की साइज भी काफी अच्छी है, तो अब देखते हैं ऊपर का बेडरूम और ऊपर और क्या है। तो रामदेन ओम दोनों ऑलरेडी पहुंच गए ऊपर। तो यहाँ पे है बेडरूम जो पूरा फर्निश, मेन बेडरूम बोल सकते हैं इसको, पूरा फर्निश है ये। इसमें फर्नीचर मिलेगा जैसे बेड, कवर, टेबल रेडी होने के लिए, टेबल जो भी है, और विंडोज पूरा डाइस ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छी लगी। ये पूरा ओपन ओपन है, सनलाइट ज्यादा मिलेगी, बड़ी विंडो भी है। हाँ, अच्छी बात है। जो पास वाला और नीचे जो बेडरूम है वो आपको विदाउट फर्नीचर मिलेंगे, बाकी इसमें एसी से लेके ये सारा कुछ ऐसा ही मिलेगा सेटअप। और ये बेडरूम का बाथरूम साइज में बड़ा है, तो दूसरे कोई मुकाबले, वैसे तीन बाथरूम हो गए टोटल मिला के, नीचे भी था बेडरूम है और ये बेडरूम है और पास वाले बेडरूम है, तो थ्री बेडरूम होल किचन बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे है जो अटैच बाथरूम रूम के साथ, तो ये रूम है इस साइड और इसके सामने यहाँ पे है दूसरा रूम, वहाँ पे भी है अटैच बाथरूम। ओके चलो, तीनों में है। नीचे बेडरूम है उसमें भी है। तीन बेडरूम हाँ, यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर का जो ये एरिया अच्छा है, सिटिंग एरिया भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ से फिर ऊपर टेरेस पे भी जा सकते हैं, ये मुझे अच्छा लगा। और पूरा जो सेट है वो दो विला एक साथ में है, हाँ। तो उसमें से फिर अंदर जाके दो हो जाते हैं। और नीचे के लिए, नीचे के गार्डन के लिए झूला भी अभी अंदर बॉक्स में पैक पड़ा है, हाँ, तो सब सब गार्डन में एक एक झूला बाहर रख सकते हैं, तो इवनिंग के टाइम पे बैठ सकते हैं वहाँ पे, है ना। हाँ। चलो ऊपर जाना है ना, हाँ, और ये बच्चों का फेवरेट होगा, चलो ये जो दो स्टेप्स है ना, हाँ वो वेस्ट एंगल है। ओके ये सब दूसरे है ना, हाँ? वो ट्रायंगल से है। ओके तो ये टेरेस है और पीछे भी रोड आपको दिख रहा होगा, नजदीक है एकदम, बहुत पास। पूरा जो लोकेशन है मुझे पर्सनली अच्छा लगा, और पोरबंदर इतना ज्यादा दूर नहीं दिख रहा, यहाँ पास में दिख रहा है। यहाँ पे सारी लाइन आ रही है जो अभी हम बात कर रहे थे, नीचे गीजर वो जो भी अपना है, वो सोलर जो लगाते हैं, इन्वर्टर है, तो यहाँ से उसको सिर्फ लगाना है। और यहाँ से दूसरी साइड के जो दूसरे विला है वो बीच की जो जगह है वो छोड़ के वापस दूसरे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सर्वेंट बोल रहे हैं, लेकिन मैं हेल्पर बोलूँगा, या तो जो हेल्प करेंगे काम में गार्डन में सब, उसके जो क्वार्टर वहाँ पे बने तो वो वहाँ पे ही रहेंगे, मैनेजर के, मैनेजर से लेके रेस्टोरेंट का स्टाफ है, जो गार्डन का काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन भी होंगे, कुछ भी हो। जो भी होगा मतलब यहाँ का जो काम करने वाले जो हेल्पर होंगे, हाँ। उनके क्वार्टर है वहाँ पे, तो वो यहीं रहेंगे, तो वो भी एक अच्छी फैसिलिटी है। अंधेरा हो गया थोड़ा सा, हमने पूरी कोशिश की कि सब कुछ
इन्फॉर्मेशन से लेके जितनी भी डिटेल है वो आपको बता दी जाए और हमने कर भी दिया ऑलमोस्ट। अगर कुछ भी है आपके क्वेश्चन या क्वेरी है कुछ भी, तो आप इसके नंबर हम देंगे उनमें आप कर सकते हो। प्राइजिंग खास करके आप उसमें बात कर सकते हो, क्योंकि प्राइज हम इन लोगों को नहीं करनी थी मेंशन कितनी है क्या है वो, क्योंकि कंपटीशन में वो कोई भी बिजनेस में नहीं होता। लेकिन तो हमें पर्सनली मुझे अच्छा लगा ये जो प्राइज है इनकी, इसके हिसाब से सब इतनी फैसिलिटीज मिल रही है तो इसमें ये बहुत ही अच्छी प्राइस है मार्केट और फर्स्ट टाइम ये फैसिलिटीज पोरबंदर में मिल रही है, सिनेमा से लेके सब कुछ। हाँ, तो और खास करके एक फार्म हाउस की जगह में, सिटी भी नहीं है और पूरा एरिया जो है वो विलेज का जैसे है पूरा, और वहाँ पे है ये सब। वो आपने एक्सपीरियंस किया है होगा थ्रू आउट वीडियो में, कहीं भी आपको ट्रैफिक की हॉर्न की आवाज़ें नहीं आ रही है, पूरा नेचुरल है यहाँ। तो जो है NRI है उनके लिए खास अच्छा क्या बोलते हैं अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, घर अपना होना चाहिए हमारे, जहाँ भी हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे हमारे बच्चों को दिखाने के लिए कि ये इस जगह से हम आते। तो खास करके आप इंक्वायरी करें, और अगर आपके पास इतने पैसे हैं, हमारे पास अभी नहीं है शायद तो हम नहीं ले पाएंगे अभी के लिए, लेकिन होंगे तब जरूर ऐसा कुछ करेंगे। एंड प्लीज़ हमारे नंबर्स के लिए फ़ोन मत करना पॉसिबल हो तो, अगर आपको क्वेरीज है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही फ़ोन करना, और हमें ईमेल कर सकते हो आप, इनकी इंक्वायरी है कुछ भी तो हम आपको ईमेल में भी रिप्लाई इनके नंबर कर देंगे। सो थैंक यू। एंड अभी ओम को कुछ खाना होगा तो यहाँ से ऑनेस्ट में कुछ खाना खा के 3 मिनट की दूरी पे है ऑनेस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे, तो वो भी एक है पास में, एक दूसरा भी रेस्टोरेंट है और यहाँ खुद का इनका भी रेस्टोरेंट है। हाँ। लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ वरना हम यही खाना खा लेते। सो अभी जाते ओम, अभी ओम का सुनते, तुमको ये अच्छा लगा? या पहले हाँ है ना, फर्स्ट टाइम क्लब हाउस देखा है ओम ने, फर्स्ट टाइम पोरबंदर में हमने फर्स्ट टाइम ओम ने देखा है। थैंक यू। इसका रिव्यू होता है और जेन्युइन होता है? ओके, पूरा ऑनेस्ट वाला होता है। हाँ, और तुमको अभी लेना है यहाँ पे रहने आना है या नहीं, कभी कभी आ सकते हो वेकेशन में? मुझे नहीं पता, वो हमको नहीं पता होता है ना। सो थैंक यू एंड थैंक यू टू जैसल भाई। हाँ, से थैंक यू। तो मेन गेट है ये और यहाँ पे वॉचमैन हमेशा रहते हैं 24/7। तो बच्चों के लिए खास कोई प्रॉब्लम है नहीं, चारों तरफ बहुत ही बड़ी दीवार है और खास करके अगर बाहर भी जाएंगे तो यहाँ कोई बड़ी रोड इतनी नहीं है नज़दीक, या तो कोई इतने व्हीकल नहीं है और एरिया बहुत ही सेफ है, चारों तरफ कैमरे लगे हैं। हाँ, करेंगे खास करके जो बड़े शहरों से बच्चे जो रहते हैं उनको ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव। ऐसे ही किसे दिखाते हैं वो ऐसे ही होता है, उसकी वो डिजाइन होती है ऐसे करके।